नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ZTL इंफ्रा स्टॉक के बारे में। सो गाइस, ZTL इंफ्रा स्टॉक में आज फिर से बड़ी गिरावट हो चुकी है। मैंने आप लोग को दोस्तों लास्ट एनालिसिस पर ही बता दिया था कि मार्केट में दोस्तों बड़ा गेम बन रहा है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि पहली चीज तो ये देखने को मिल रही थी कि इस स्टॉक में तेजी के पीछे का कोई बड़ा कारण पिछले टाइम देखने को मिला नहीं था। क्योंकि रीजन एक ही था कि कंपनी का RSI इंडिकेटर जो था ओवरसोल्ड जोन पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था, पर वापस वो रिकवर हो चुका है। वापस आज गिरावट हमें फेस करनी पड़ चुकी है। साथ ही साथ कंपनी के रिजल्ट पर क्या अपडेट रहने वाली है, सबसे पहले प्राइस अगर ऐसा करते हैं तो 2 रुपए 12 पैसे पर आज का सेशन क्लोज हुआ है, और कहीं ना कहीं मार्केट में टोटल ही क्रेश देखने को नजर आई है। ऐसा कोई देखने को नहीं है मिला कि कंपनी GTL इंफ्रा में गिरावट एक्चुअल देखने को मिली है। वैसे दोस्तों मार्केट में भी बड़ी क्रेश नजर आई है, क्योंकि दोस्तों निफ्टी 50 पर भी आज बड़ी क्रेश आ चुकी है। BSE सेंसेक्स की बात की जाए या और किसी एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बड़ी क्रेश देखने को नजर आई है। अभी GTL इंफ्रा की खासकर अगर हम चर्चा करते हैं तो पिछले 5 मार्केट सेशन का डेटा अगर देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हमें नजर आए, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर भी इस स्टॉक पे काफी अच्छी तेजी हमें नजर आई थी, और लगातार कंपनी में रिटर्न भी अच्छी खासी हमें देखने को मिले हैं। पर अभी कंटिन्यूसली इस स्टॉक का जो लगातार क्रेश नजर आया लास्ट 1 महीने में, दोस्तों काफी बड़ी क्रेश हमें देखने को मिली है। डेटाबेस में वीकनेस काफी ज्यादा नजर आई है। 2 रुपए 36 पैसे इस स्टॉक में गिरावट बढ़कर हमें नजर आने वाली है दोस्तों 1 रुपए 88 पैसे तक, जो 29 अक्टूबर को हमें नजर आई थी। पर अभी दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर पर कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रहे हैं कि भारतीय एयरटेल ने दोस्तों वित्त वर्ष 2025 के सबसे बड़े ऑर्डर बॉन्ड इश्यू के लिए बोलियां स्वीकार कर ली है। यानी कि कंपनी ने 6 भाग के निर्गम माध्यम से धन जुटाया, जिसमें से 3 वर्षीय और 10 दिवसीय बॉन्ड के माध्यम से 20 बिलियन रुपये, प्रत्येक 4 वर्षीय बॉन्ड के माध्यम से 16.5 बिलियन रुपये दोस्तों, 5 वर्षीय बॉन्ड के माध्यम से 25 बिलियन रुपये तथा 7 वर्षीय और 10 वर्षीय पत्रों के माध्यम से 15-15 बिलियन रुपए प्रत्येक शामिल रहने वाले हैं। इसमें दोस्तों रीजन यह है कि कंपनी ZTL इंफ्रा जो रहने वाली है वो दोस्तों कंपनी के लिए पहले क्लाइंट के तौर पर रह चुकी है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं कंपनी का जो डेटाबेस है वो काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी कंपनी के लिए जो क्लाइंट लिस्ट में अगर हम बात करते हैं तो क्लाइंट लिस्ट के अंदर दोस्तों काफी अच्छे नामी कंपनियां जो शामिल नजर आ रही है, जिसमें नंबर 1 पे दोस्तों एयरटेल, नंबर 2 पे दोस्तों आती है BSNL, नंबर 3 पे जियो, नंबर 4 पे टाटा कम्युनिकेशन, वोडाफोन आइडिया। तो ये चीज कहीं ना कहीं दोस्तों अच्छा खासा जो बॉन्ड जीती है, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर कंपनी को प्रोजेक्ट मिल सकते हैं और आगे अच्छा खासा कंपनी का जो ग्रोथ है वो बढ़ सकता है, वो एक हम आउटलुक्स के तौर पर देख सकते हैं। आउटलुक इस वजह से देख सकते हैं क्योंकि कंपनी क्लाइंट लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं विल कॉन्ट्रीब्यूट आवर क्लाइंट सक्सेस, यानी कि कंपनी ने जो क्लाइंट के तौर पर कंपनी ने अच्छा खासा जो बिजनेस पहले किया है वो इससे कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिली है। पर अभी जैसे कंपनी को अगर कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है इसी प्रकार एयरटेल से या कुछ और कंपनी से, जिसमें दोस्तों वोडाफोन आइडिया भी कुछ यहाँ पे रहने वाली है, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को लेकर ये देखने को मिल रहा है कि सीएनआ को उम्मीद है कि वोडाफोन आइडिया के 5G रोल आउट से भारत में कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, और अमित मलिक की ये रिपोर्ट रहने वाली। मलिक ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के माध्यम से आगमन में डेटा सेंटर में तेजी आई है, और गैर दूरसंचार क्षेत्रों जैसे उद्यम और सरकार में विविधीकरण के आदि जो भारत में कंपनी की जो वृद्धि है उसमें समर्थन देखने वाले अन्य कारक भी नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं मेन टॉपिक ये देखने को मिल रहा है कि तीसरी सबसे बड़ी जो निजी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया जो रहने वाली है 5G में देर से शामिल हुई है, पर कहीं ना कहीं आगे चलकर जो 4G कवरेज है उसके लिए फंड कंपनी ने पिछले टाइम ही जुटाई थी अच्छी खासी, 4G कवरेज को अच्छी खासी मजबूती प्रदान करने के लिए भी कंपनी ने फंड जुटाया है, और साथ ही साथ 5G की प्राथमिकता के जो सेवाएं शुरू करने के लिए भी कंपनी ने अच्छे खासा जो फंड था वो यहाँ पे रेज किया था। तो कहीं ना कहीं इस वजह से कंपनी को ऐसे कंपनियों की तलाश है, ऐसे जो कंपनियां चाहिए जो कंपनी को लो बजट पे एक अच्छा खासा डेटा प्रोवाइड कर दे, एक अच्छा खासा बिजनेस डील मिल जाए, जिससे कहीं ना कहीं कंपनी की अच्छी सेवाएं कंटिन्यूसली कम बजट के अंदर अच्छी खासी बरकरार रह जाए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ZTL इंफ्रा का नाम टॉप पे आ सकता है। उस पर रीजन ये रहने वाला है कि कंपनी दोस्तों नंबर 3 पे देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले टाइम नंबर 3 पे जो अवेंटल देखने को मिल रही थी वो अब इस लिस्ट से दोस्तों हट चुकी है, और नंबर 3 पे दोस्तों अभी ZTL इंफ्रा आ चुकी है। तो ये चीज कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है, तो इस वजह से कंपनी को आगे चलकर दोस्तों एक अच्छा खासा जो बिजनेस डील है वो मिल जाए, उम्मीदन हम लगा सकते हैं कि मिल जाए। पर दोस्तों अभी के टाइम इसमें यह चीज देखने को मिल रही है कि अभी कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो भी 3900 करोड़ का नजर आ रहा है। साथ ही साथ सेकेंडरी बड़ी जो चीज निकल के आ रही है कि कंपनी ने अभी तक दोस्तों रिजल्ट को लेकर कुछ भी जो अनाउंसमेंट है क्वार्टर 2 के लिए
लिए वो अपडेट दी नहीं है कि कंपनी के रिजल्ट्स कब तक आएंगे, कंपनी के क्वार्टर टू के लिए बोर्ड मीटिंग जो है वो कब तक होने वाली है, इस चीज़ पर भी कोई अपडेट कंपनी ने अभी मेंशन किया नहीं है। साथ ही साथ कंपनी के RSI इंडिकेटर की अगर हम चर्चा करें तो इसमें अभी RSI इंडिकेटर दोस्तों 45.41 अंकों पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं वापस अभी दोस्तों ओवरसोल्ड जोन की तरफ दोस्तों चार्ट पैटर्न का जो संकेत है वो अभी वापस बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम नजर आई है वो सेलर्स की काफ़ी बड़ी वॉल्यूम आज के सेशन की क्वांटिटी के तौर पर नजर आई है, तो डेटाबेस काफ़ी वीक और काफ़ी कमजोर देखने को कंटिन्यूसली अभी सस्तों का फिर से नजर आना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि लास्ट अगर हम 15 मिनट या 30 मिनट का चार्ट फ्रेम अगर देखते हैं कंपनी के लिए तो वो कहीं ना कहीं कैसा नजर आता है उस चीज़ पर हमें काफ़ी ज़्यादा डेटाबेस समझ आ सकता है, क्योंकि लास्ट जो 30 मिनट का डेटा नजर आया था उसमें कंपनी के अंदर वापस बाइंग ऑर्डर नजर आई है, और इस बाइंग ऑर्डर का डेटा अगर दोस्तों प्री ओपन मार्केट पर अगर देखते हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं क्लियर हो सकती है कि मार्केट में कल के सेशन के लिए क्या देखने को डेटा आज नजर आया, जिसमें से यहाँ पे नजर आने वाला है कि 48,20,828 की सेलिंग क्वांटिटी यहाँ पे नजर आने वाली है, और बाइंग क्वांटिटी अगर देखते हैं तो 31,54,476 की यहाँ पे नजर आई है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ओपनिंग के वक्त लोअर सर्किट आ सकता है, और यहाँ पे जो आज के सेशन के काउंटर पर वॉल्यूम देखते हैं तो बड़ी क्वांटिटी रहने वाली है, 12.25 करोड़ की काउंटर पे कारोबार हुई है, लगभग 4 करोड़ शेयर की डिलीवरी यहाँ पे इन्वेस्टरों ने होल्ड की है, जो काफ़ी अच्छी इस प्राइस में उनकी क्वांटिटी डिलीवरी के तौर पर नजर आने वाली है। तो डेटाबेस कहीं ना कहीं निवेशकों ने अच्छा खासा प्रोवाइड करने की कोशिश की है, एक अच्छी ग्रोथ कंपनी में देखने को मिलने वाली है। पर अभी कंपनी का बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो कंपनी के दोस्तों बैलेंस शीट में दोस्तों इन्वेस्टमेंट की अगर खासकर चर्चा करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के अंदर डेटा कैसा रहने वाली कि अभी कंपनी की ओनली 76 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट ही अलग और अदर कंपनियों में देखने को मिल रही है, और ऐसा कोई कंपनी का फ्यूचर प्लान या बिजनेस प्लान देखने को मिल नहीं रहा जिससे कंपनी को आगे चलकर एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सके, क्योंकि पिछले टाइम कंपनी की अगर हम इन्वेस्टमेंट पर अगर हम चर्चा करते हैं तो कंपनी की हाईएस्ट अब तक की जो इन्वेस्टमेंट रही है मार्च 2016 के अंदर, जो अदर डेटाबेस में अदर कंपनियों के अंदर अदर बिजनेस के लिए कंपनी की 1907 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी वो घटकर आज 76 करोड़ पर वापस आ चुकी है। साथ ही साथ कैश वैल्यू पर अगर हम चर्चा करते हैं तो कैश वैल्यू में भी दोस्तों कंटिन्यूटी गिरावट के तौर पर देखने को मिली है, जो 85 करोड़ का नेट लॉस अभी के टाइम देखने को हमें नजर आने वाला है। तो कहीं ना कहीं कमियां इस स्टॉक पे अभी ज्यादा नजर आ रही है, लॉस कहीं ना कहीं निवेशकों का ज्यादा बिग टाइम देखने को मिल रहा है। अभी SHP जो लास्ट टाइम सितंबर की निकल के आई थी इसमें से जो इन्वेस्टरों की संख्या में तो सीधे बढ़ोतरी काफी अच्छी नजर आई है, पर यहां पे देखने को मिल रहा है कि DI की इन्वेस्टमेंट घट चुकी है सीधे सीधे, और यहां पे देखने को मिला कि FI की इन्वेस्टमेंट में भी कटौती हो चुकी है, गिरावट हो चुकी है। तो डेटा भी इसमें कंटिन्यूटी के बजाय दोस्तों एक डाउनफॉल नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं पब्लिक होल्डिंग जो ग्रो कर रही है तो आगे चलकर कंपनी का फ्यूचर बेस को दोस्तों कुछ पॉजिटिव है नहीं, क्योंकि कंपनी फ्यूचर डेटा के लिए अगर कुछ प्लानिंग करती है, कुछ अदर कुछ नया बिजनेस सोचती है तो उससे एक चीज़ यह होती है कि कहीं ना कहीं हाँ कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए कुछ नया प्लान कर रही है, पर ऐसा कुछ देखने को अभी कंपनी के अंदर मिल नहीं रहा है। फिलहाल उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना, और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। और फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर कोई भी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली है बाई सेल के लिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना, एजुकेशन पर्पज़ के लिए जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ।